नमस्कार। मास्टर क्लास की बहुत डिमांड है और अब प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी मास्टर क्लास की डिमांड आने लगी है और लोग ये कहने लगे हैं कानपुर और उधर गोरखपुर इन सब जिलों की मास्टर क्लास बनाओ। भाई मैं अकेला आदमी हूँ अपने चैनल पर, मैं इतनी सारी मास्टर क्लास कैसे बनाऊँ। अलबत्ता मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम जिलों को उत्तर प्रदेश के कवर करूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से। और देखिए, अब चूंकि अभी हम पहले और दूसरे चरण की ही चर्चा कर रहे हैं, तो पहली जो दो मास्टर क्लास हमारी आई थी वो हमने मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों की दी थी आपको, और आप लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू। आज भी मैं एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिला है, उसकी चर्चा करना चाहूंगा। और इस जिले की सबसे खास बात क्या है, ये जिला महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरीके से बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं से की है, एंड इट इज कॉल्ड शामली। शामली जिला है ये। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और बीजेपी के मेंटोर हैं और सारे चुनाव कैंपेन को फ्रंट से लीड करते हैं, उन्होंने कैराना में जाकर, ये कैराना एक कस्बा है शामली जिले का, उन्होंने कैराना में जाकर अपना डोर टू डोर कैंपेन किया अभी हाल ही में, 2-3 दिन पहले, और यहां से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। और यहां पर उन्होंने एक मीटिंग भी ली, और कैराना का नाम आते ही ये जिला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैराना क्यों सुर्खियों में रहा था मैं आपको बताता हूं। पलायन का मुद्दा, पलायन के मुद्दे को लेकर कैराना सुर्खियों में रहा था, और इस पलायन के मुद्दे को उठाया था किन्होंने, स्वर्गीय हुकुम सिंह ने। स्वर्गीय हुकुम सिंह कैराना से कई बार विधायक रहे हैं और 2014 में सांसद भी रहे हैं स्वर्गीय हुकुम सिंह। स्वर्गीय हुकुम सिंह का 2018 में निधन हो गया था, और 2018 में जब उनका निधन हो गया तो यहां पर एक बाईपोल हुआ था, और उस बाईपोल को बहुत ही सुर्खियां मिली थी। कैराना लोकसभा सीट जो है उसका बाईपोल हुआ था, और कैराना लोकसभा सीट का बाईपोल जब हुआ था तो उसी के साथ गोरखपुर का भी बाईपोल हुआ था, जिसमें योगी आदित्यनाथ के बाद सीट खाली हुई थी, और इसी के साथ इलाहाबाद की फूलपुर सीट का भी बाईपोल हुआ था जो केशव प्रसाद मौर्य की वजह से खाली हुई थी। तो ये तीन उपचुनाव एक साथ हुए थे, और इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था कैराना का उपचुनाव। कैराना लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन मृगांका सिंह ये चुनाव हार गई थी। और मृगांका सिंह को इस बार कैराना से बीजेपी ने विधानसभा टिकट का भी दावेदार बनाया है और उन्हीं को टिकट दिया है, इसी वजह से ये चुनाव बहुत हाईलाइटेड है। और यहां कैराना में जो बाईपोल हुआ था 2018 का, इसमें मृगांका जिससे हारी थी वो थी तबस्सुम बेगम। तबस्सुम बेगम जो थी वो नाहिद हसन की मां है, और नाहिद हसन इस समय कैराना के विधायक हैं और सपा और आरएलडी गठबंधन के जो है प्रत्याशी हैं, और नाहिद हसन इस समय जेल में है गैंगस्टर में, इसी वजह से ये सीट बहुत हाईलाइटेड है। नाहिद हसन की अभी तक जमानत नहीं हुई है, लोअर कोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है उनकी, हाई कोर्ट में गए हुए हैं, लेकिन अभी तक आशंका यह थी कि शायद नाहिद हसन का पर्चा कैंसिल बीजेपी करवाने में लगी हुई है, लेकिन उनका नामांकन कैंसिल नहीं हुआ है। कल जब नामांकन की जांच हुई तो इनका पर्चा बिल्कुल सही पाया गया, सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे पाए गए, तो तय है कि मृगांका सिंह और नाहिद हसन के बीच में यह मुकाबला होने जा रहा है। पलायन के मुद्दे को लेकर अमित शाह ने पलायन वाले जो परिवार थे, जो यहाँ के हिंदू परिवार घर छोड़कर चले गए थे, उनके बारे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि 2017 के बाद से उन्होंने पलायन करने वाले परिवारों को वापस बुलाने में सफलता हासिल की है, और ये पलायन के बाद लोग परिवार वहां पर वापस लौटने लगे हैं, और उन्हीं परिवारों के साथ अमित शाह ने जाकर मुलाकात की थी। तो ये सीन इस समय यहां पर बन रहा है। तो यहां पर जो मुकाबला है मृगांका सिंह और नाहिद हसन के बीच होगा, जो अभी जेल्ड हैं। अभी मैं कह नहीं सकता कि ये जेल में से बाहर आएंगे या नहीं, क्योंकि वैसे भी इन्हें 14 डेज की न्यायिक हिरासत दी गई है, 14 दिन तक तो आएंगे नहीं, उसके बाद आ जाएंगे। अभी तो कैंपेन चल ही रहा है, और मेरे ख्याल में एक हफ्ते के करीब तो इन्हें जेल गए हुए हो चुका है, नामांकन के अगले दिन ही ये जेल चले गए थे।
तो यहां पर जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, और इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि यहां पर बसपा ने राजेंद्र उपाध्याय के रूप में एक ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, जो निश्चित रूप से मृगांका सिंह के वोट काटेंगे। मृगांका सिंह का मैं बता दूं कि आपको यहां तीसरा चुनाव है, वो जब उनके पिता ने यहां से विधानसभा सीट छोड़कर लोकसभा में गए थे तब भी वो उपचुनाव लड़ी थी, और इसके अलावा ये उनका लोकसभा का चुनाव है, और अब यहां पर ये तीसरा उनका चुनाव हो रहा है। दूसरे यहां पर जो एक और खास बात है, खास बात ये है कि कांग्रेस ने यहां पर अखलाक के रूप में एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है, और इसका जो भी 5-7 हजार जो वोट इन्हें मिलेंगी वो नाहिद हसन को नुकसान करेंगे। लेकिन नाहिद हसन का जो दावा है वो अभी स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ के कास्ट इक्वेशंस आपको बताता हूँ। देखिए, शामली जिले की जितनी भी सीटें हैं उसमें मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या या वोट यहीं पर है, 1,37,000 के करीब हैं। कश्यप वोट दूसरे स्थान पर हैं, 40,000 उनके वोट हैं। गुजर वोट 26,000 हैं, और गुजर हैं मृगांका सिंह गुजर हैं। और जाट वोट यहां पर 19,000 हैं, सैनी वोट 12,000 हैं, दलित वोट 10,000 हैं, नाई बढ़ई ये सब जो कास्ट हैं ये 10,000 हैं, ब्राह्मण 8,000 हैं, कुछ इसके अलावा यहां पर वैश्य वोट भी हैं 5-7 हजार, जिनकी गिनती हमने इसमें नहीं की है। तो यहां पर चुनाव टफ है, कांटे का चुनाव है कैराना सीट पर। और बीजेपी का इस बार दावा है कि वो इस बार इस सीट को जीतने जा रहे हैं। जो भगवा टीम है वो दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी इसको जीतने जा रही है। और बीजेपी के अगर इस दावे की कोई वजह है तो सिर्फ यही है कि पलायन का मुद्दा है, अमित शाह ने यहां पर फोकस किया है, और अमित शाह के प्रचार से यहां कैराना का चुनाव बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा मृगांका सिंह को लेकर, मृगांका सिंह को एक तो जाट वोटों का नुकसान निश्चित रूप से होना है, जाट वोट मैक्सिमम इसमें आरएलडी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात और भी देखने वाली है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाटों के वोट बटने लगे हैं और ये 50-50 होने लगे हैं आरएलडी और बीजेपी की तरफ। तो मैं नहीं मानता कि सारे वोट जाट वोट नाहिद हसन को ही मिलेंगे, और नाहिद हसन से नाराजगी भी है यहां लोगों में, तो जाट वोटों का हिस्सा मृगांका सिंह को मिल सकता है। इसके अलावा सैनी वोट मृगांका को मिल सकते हैं, दलित वोट भी कुछ मिल सकते हैं, नाई बढ़ई ये वोट इन्हें मिल सकते हैं मैक्सिमम। ब्राह्मण वोट जरूर डाउटफुल है कि ब्राह्मण वोट इतने मिल पाएंगे, लेकिन ब्राह्मण वोट 8,000 के आसपास है, और राजेंद्र उपाध्याय कितनी वोट काट पाएंगे ये कोई सॉलिड इसका ग्राउंड अभी नहीं मिलता है। तो यहां पर जो मुकाबला है वो दोनों के बीच में वो नेक टू नेक मुझे यहां नजर आ रहा है। इसी शामली जिले की एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है थाना भवन। नाम देखिए जरा यहां प्रत्याशियों के कितने स्ट्रोंग आपको नाम नजर आ रहे हैं। ये जो सबसे ऊपर नाम है सुरेश राणा, ये इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं योगी सरकार के, और ये कहा जाता है कि आज ये योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी शख्स हैं। इनका टिकट हुआ है, इनके सामने आरएलडी और जो सपा का गठबंधन है उससे अशरफ अली मैदान में आए हैं, जहीर मलिक आए हैं बसपा के टिकट पर, और सत्यम सैनी आए हैं कांग्रेस के टिकट पर। यहाँ की कास्ट इक्वेशंस देखिए, आप खुद ही तस्वीर समझ जाएंगे। मुस्लिम 1,06,000 हैं, जाट 52,000 हैं। हालांकि यहां पर जो ये जाटों की फिगर है इसे लेकर कई बार गफलत की स्थिति बनती है। कोई कहता है कि यहां पर 30-35 हजार जाट हैं, कोई कहता है कि 50 हजार है, और इस फिगर को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने कभी यहां जाट को ट्राई नहीं किया, ठाकुर को यहां पर टिकट दिया जाता है। और देखिए किसी भी पार्टी से यहां पर कोई जाट प्रत्याशी मैदान में नहीं है, क्योंकि सबको ये डाउट है कि यहां पर जाट वोट कायदे से 52,000 हैं भी या ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई फिगर है। दलित वोट 45,000 हैं, कश्यप वोट 35,000 हैं, सैनी वोट 25,000 है, शायद इसी वजह से कांग्रेस ने सत्यम सैनी को टिकट दे दिया है। क्षत्रिय ठाकुर वोट जिससे राणा जी आते हैं केवल 18,000 हैं। राणा जी का जो मेन है वो बस ये 18,000 हैं, बाकी तो दूसरी बिरादरियों के हैं। ब्राह्मण वोट 12,000 हैं, नाई बढ़ई जोगी 15,000 हैं, वैश्य वोट बनिया वोट 5,000 के आसपास हैं। तो अब राणा जी का जो फिगर है वो
कश्यप वोट में से, सैनी वोट में से, और ये ठाकुर वोट हैं, ब्राह्मण वोट हैं, नाई बढ़ई जोगी हैं, वैश्य हैं, इनमें से उनका मुख्य वोट बैंक है, और जाटों में भी कुछ परसेंटेज उनको मिल सकती हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर अशरफ अली जो आरएलडी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, अशरफ अली से के अलावा यहाँ पर राव वारिस, जो कि पिछली बार सुरेश राणा से लड़े थे और सुरेश राणा के साथ लड़े थे और बसपा के टिकट पर लड़े थे, राव वारिस वो पिछली बार जो यहाँ पे बसपा के टिकट पर थे वो इस बार यहाँ आरएलडी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आरएलडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और चूंकि अशरफ अली पहले से ही आरएलडी में है, इसलिए अशरफ अली का टिकट फाइनल कर दिया गया। अब यहाँ सुरेश राणा को बस ये देखना है कि जहीर मलिक अशरफ अली के मुस्लिम वोट कितने काट पाते हैं, और कुछ नुकसान इनका सत्यम सैनी सुरेश राणा का भी कर सकते हैं। शामली मुख्यालय की शामली सदर जो सीट है, इसमें तेजेंद्र निर्वाल जाट, इसमें देखिए ऑल जाट जाट गेम है, इसमें सभी के सभी जाट प्रत्याशी हैं प्रमुख दलों के। बीजेपी से तेजेंद्र निर्वाल हैं, आरएलडी सपा के गठबंधन से प्रसन्न चौधरी हैं, और बसपा के विजेंद्र मलिक हैं, तीन जाट प्रत्याशी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 68,000 जाट वोट है, मुस्लिम वोट 70,000 हैं, लेकिन 68,000 जाट वोट हैं, और इसी वजह से तीनों पार्टियों ने गेम उसी पे खेल दिया है। सपा रालोद गठबंधन को यह लग रहा है कि हमारे साथ सपा रालोद को यह लग रहा है कि हमारे साथ मुस्लिम वोट मैक्सिमम है, और इसके अलावा जाट वोट भी हमको मिलेंगे। इसी ग्राउंड पर इनमें से अगर 50-50% भी इन्हें मिलते हैं, तो इसमें से आप समझ लीजिए कि अगर 50,000 वोट डले मुस्लिमों के, तो 25,000 वोट ये हो गए इनके। इसमें से 68,000 में से अगर 35,000 वोट डलते हैं, तो 17-18,000 वोट ये हो गए, और ये वोट हो जाते हैं 43। तो 43,000 के करीब आसपास गठबंधन को लग रहा है कि हमारे वोट बिल्कुल सॉलिड हैं, उसके बाद इन्हें बैटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि 2017 में रालोद के टिकट पर यहाँ विजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे, और विजेंद्र सिंह का इस बार टिकट नहीं हुआ, तो उन्होंने यहाँ प्रसन्न चौधरी का विरोध भी किया है, कुछ बैठकें भी की है। इसके अलावा शामली के चेयरमैन रहे हैं राजेश्वर बंसल, बड़े दिग्गज नेता हैं हुकम सिंह के समय के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है आरएलडी से, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए यहाँ से टिकट चाह रहे थे, उनका टिकट नहीं हुआ। तो आरएलडी को यहाँ पर थोड़ा सा अंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और तेजेंद्र निर्वाल जो कि पिछली बार 2017 में कहीं फाइट में नहीं माने जा रहे थे, 30,000 के करीब वोटों से जीतने में सफल रहे थे, तो मेरा मानना है कि इस बार टफ फाइट होगी। यहां पर भी तेजेंद्र निर्वाल की जीत इतनी आसान नहीं होगी। अलबत्ता गठबंधन प्रत्याशी का नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी अयूब जंग भी कर सकते हैं, जो मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं। यहाँ की जो जातीय समीकरण है, मुस्लिम 70,000, जाट 68,000, दलित 45,000, कश्यप 35,000, सैनी 25,000, क्षत्रिय और जिन्हें ठाकुर वोट कह सकते हैं 18,000, ब्राह्मण वोट 15,000, और नाई बढ़ई जोगी ये जो हैं ये 15,000, और वैश्य वोट 8,000। तो इस तरीके से इन तीनों सीटों पर ही इस बार बहुत ही कड़ा संघर्ष है, तीनों पर जबरदस्त फाइट होने जा रही है। सारे मीडिया की नज़र यहाँ पर जरूर इस सीट पर है कि कैराना सीट है, पलायन का मुद्दा है, तमाम पुरानी बातें हैं, लेकिन मेरी नज़र इस सीट थाना भवन पर भी बनी रहने वाली है, क्योंकि मैं सुरेश राणा का चुनाव, मंत्री जी का चुनाव इतना आसान इस बार नहीं मान रहा हूँ। तो ये है यहाँ के समीकरण, आशा करता हूँ कि मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, जितनी भी मेरी तरफ से कोशिश रही। हो सकता है कि कुछ आंकड़े मैं गलत हूँ मेरे, या उतने परफेक्ट नहीं हूँ, और हो सकता है कि मेरे मन में थोड़ा सा कई बार ये भी ख्याल आता है कि यार हो सकता है कि ये आंकड़े कई पुख्ता आंकड़े नहीं होते, कोई सरकारी आंकड़े नहीं होते, इधर उधर राजनीतिक दलों से ये एकत्र किए जाते हैं। तो इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है शामली जिले का, बहुत ही कांटे का होना जा रहा है। पिछली बार बीजेपी ने दो सीटें जीती थी, थाना भवन और शामली, नाहिद हसन कैराना से जीते थे। इस बार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इसे 3-0 में कन्वर्ट किया जाए, और आरएलडी और सपा का गठबंधन कोशिश करेगा कि इसे 2-1 में कन्वर्ट करे। तो देखते हैं कि क्या होता है। हमारा इस तरह का वीडियो और भी जिलों का आने वाला है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और आप किस जिले का इस तरह का मास्टर क्लास वीडियो देखना चाहते हैं।
तो होती रहेगी मुलाकात, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।